Good morning students, welcome to Maths class standard 3rd. We will continue our chapter 14, rupees and paise. Rupees and paise previous period में हमने addition किया था, bill जो था, cash memo था, उसमें जो mistake थी, वो हमने find की थी, okay? आज हम continue करते हैं subtraction, okay? Subtraction, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, हम उसे fill कर देते हैं, okay? Solve कर देते हैं. First यहाँ पे minus करना है, okay? यहाँ पे subtraction that means minus करना है, तो zero five minus five तो zero रहेगा, five minus one करेंगे तो क्या आंसर आएगा four, two minus one तो आएगा one, okay? तो कितने rupees होंगे? Rupees 14. Next है 103 rupees and 50 पैसा minus 62 rupees. यहाँ पे 50 के नीचे 00 ही है तो हम उसे सीधा 50 का 50 ही लिख देंगे, ओके? यहाँ पे पॉइंट करना नहीं भूलना है क्योंकि पॉइंट के आगे वाला जो है लेफ्ट साइड वाले वो रुपीस है एंड ये है राइट साइड वाले जो है वो क्या है पैसे है, ओके? 3 minus 2 करेंगे तो 1, देन यहाँ पे आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 minus 6, ओके? क्या करना है 10 minus 6, अदरवाइज आप बोरो करेंगे इस तरह से तो यहाँ पे 1 कट करके 0, यहाँ पे फिर से 10 ही आएगा और 10 minus 6 ही आपको करना है तो आप यहाँ पे सीधा भी कर सकते हो, ओके? 10 minus 6 कितने बचेंगे? मैंने आपको ऑलवेज बैकवर्ड में काउंटिंग करना सिखाया कि 6 है नीचे तो आपको काउंटिंग कहाँ से करना है 7 से, 7, 8, 9 and 10, 10 के ऊपर स्टॉप हो जाना है क्योंकि 10 है ऊपर, ओके? ये मेरी फिंगर में कितने हैं 4, दैट मींस यहाँ पे आंसर आएगा 4. आंसर क्या है? रुपीस 41 एंड 50 पैसे. आंसर क्या आएगा? 41 रुपीस एंड 50 पैसे. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रुपीस 90.50 माइनस रुपीस 7. तो सेम हियर यहाँ पे भी क्या है कि 50 है नीचे 00 तो यहाँ पे सीधा 50 आ जाएगा, ओके? देन 9 माइनस 7 तो कितने बचेंगे? 7 है तो 8 एंड 9 तो कितने हैं 2 तो यहाँ पे आएगा 2. 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधा 1, दैट मींस रुपीस 12 एंड 50 पैसे. रुपीस 10, 12 एंड 50 पैसे आंसर आ जाएगा, ओके? नेक्स्ट है यहाँ पे 84.50 माइनस रुपीस 76.50, ओके? यहाँ पे माइनस है तो 0 आ जाएगा, 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा. अभी 4 माइनस 6 करना है तो अभी 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है तो बोरो करना पड़ेगा. 8 को कट करके जस्ट बी 4 नंबर 7 एंड देन यहाँ पे 10 प्लस 4 तो 14 रहेगा. 14 माइनस 6 करना है तो 6 है तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम 7 से, ओके? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 कितना है मेरे फिंगर में 5, 6, 7 एंड 8 तो यहाँ पे आएगा 8 देन 7 माइनस 7 0 तो कितने रहेंगे रुपीस 8 कितने बचेंगे रुपीस 8 क्योंकि पैसे में 0 है, ओके? तो आंसर आएगा रुपीस 8. नेक्स्ट है रुपीस 45 माइनस 50 सॉरी रुपीस 45 एंड 50 पैसे माइनस 22 रुपीस एंड 75 पैसे. यहाँ पे आप देखना 75 पैसे है तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कट करके क्या आएगा 4 एंड यहाँ 10, ओके? 10 माइनस 5 तो 5 रहेगा. अभी ये 4 माइनस 7 नहीं होगा तो क्या करना है यहाँ से हमें बोरो कर 5 को कट करके 4 एंड यहाँ पे 10 तो 14 माइनस 7 तो यहाँ पे क्या आएगा 7 क्या आएगा 75 तो पैसे 75 के 75 ही रहेंगे एंड यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 2 तो 2 देन 4 माइनस 2 तो 2 तो आंसर क्या आएगा. और आपको अभी ऐसा लगे ना कि आंसर राइट है या रॉन्ग है तो हमें क्या करना है अपने आप चेक कर सकते हो कैसे तो ये दोनों को प्लस कर देना है तो आप
आपका ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर क्या है, ₹22.75। अभी आपको चेक करना है कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे करेंगे हम, ट्वेंटी ये दोनों को ऐड करके देख लेंगे। ओके, 22.75 + 22, क्योंकि आंसर सेम सेम आ रहा है तो आपको लगेगा कि सारा आंसर रॉन्ग नहीं है ना, तो आपको ये दोनों को ऐड कर देना है। ओके, 5 + 5 = 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, यहाँ पे 45.50। तो 7 + 1 = 8, 8 में 7 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 15। 15 का 5 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, फिर है 2 + 1 = 3 + 2, तो 5 and 2 + 2 = 4। तो ये आंसर हमारा मैच हो गया, दैट मीन्स ये आंसर हमारा राइट है। ओके, 45.50 पैसे, क्योंकि यहाँ पे 75 पैसे है तो आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, 50 पैसे में से 75 पैसे कैसे सबट्रैक्ट करें। तो जैसे नॉर्मल सबट्रैक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल सबट्रैक्शन ही आपको करना है। ओके, आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट अभी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ही है। सॉल्व द प्रॉब्लम है, यू हैव 30 रुपीज विथ यू, मतलब ये अभी भी हमारा जो आगे का चार्ट है उसके रिलेटेड ही ये चल रहा है। तो आगे जो अनबॉल, अनडॉल, कार, जीरा, टॉय जीरा है, वो बाकी सारे आइटम का चार्ट हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में, उसी के चार्ट के रिलेटेड हमें ये सॉल्व करना है। ओके, अभी आपको 30 रुपीज है आपके पास, तो उसमें से आप कौन कौन सी चीजें परचेज कर सकते हो, एंड उसमें से अगर आपने यहाँ पे जो दिया हुआ है उस वो चीजें ली तो आपके पास पैसे इनफ है, बचेंगे या नहीं बचेंगे वो आपको सर्च करना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है $1, $1 ball, $1 doll, $1 doll and $1 toy giraffe. ओके, इतनी चीजें आपने परचेज की, बाय की। तो पहले $1 ball की कॉस्ट क्या है, तो $1 ball की कॉस्ट है ₹7 प्लस डॉल की कॉस्ट है ₹8 प्लस टॉय जिराफ जो है वो है 6.50। मैं ऐड करना है तो हम ऐड नहीं करते चलते। तो जो बॉल है उसकी कॉस्ट है 7, तो 7.00, डॉल की कॉस्ट है 8.00 प्लस जिराफ की कॉस्ट क्या है, तो 6.50 पैसे, मतलब ₹6.50। यहाँ पे 0 and 5, 7 + 8 तो कितने आएंगे, 15
21। यहाँ पे आपको दो सम करते जाना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट एंड मनी लेफ्ट। टोटल कॉस्ट कॉस्ट इक्वल टू डैश एंड मनी लेफ्ट इज इक्वल टू डैश। ओके तो टोटल कॉस्ट तो हमें पता चल गई 21 रुपीज एंड 50 पैसे, है ना, 21 रुपीज एंड 50 पैसे वो टोटल कॉस्ट हमें पता चल गए। बट अभी मनी लेफ्ट तो कितने मनी, क्योंकि हमें 30 रुपीज हमारे पास है, टोटल कितने रुपीज है 30, उसमें से हमने वन बॉल वन डॉल एंड वन टॉय जिराफ परचेज किया तो कितने टोटल रुपीज हुए 21 एंड 50 पैसे। तो 30 माइनस आपको दूसरा सम करना पड़ेगा। ओके 30 माइनस 21 एंड 50 पैसे। ओके यहाँ पे आगे जो हमने सब्ट्रैक्शन है एडिशन किया तो उससे आपको एडिशन करना समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन करना यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 2 को कट करेंगे तो क्या है, 3 को कट करेंगे 2, फिर यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 10। मैंने यहाँ पे 9 क्यों रखा, आपको पता ही है हमने आगे भी सब्ट्रैक्शन किया है कि हम पहले इस यहाँ पे भी 0 है इसलिए हमें यहाँ 10 बॉरो करना पड़ेगा, 10 को कट करके 9 आएगा एंड देन फिर से यहाँ पे बॉरो करेंगे तो 10। ओके तो 0 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 2 0। तो मनी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कितने बचे, तो 8 रुपीज एंड 50 पैसे, तो यहाँ पे लिख देना 8 एंड 50 8 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके ये 1 नंबर का हो गया। अब हम 2 नंबर का करेंगे। 2 नंबर में क्या क्या परचेस किया है, 2 बनानास, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 2 बनानास, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट्स एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। आपको इसके रिलेटेड ही ये सारे सम है, हमें
माइंड में यही रखना है कि ये सब चीजें परचेस करनी है और आपके पास है कितने 40 रुपीज। ओके, उसमें से आपने क्या परचेस किया? 2 बनाना। तो बनाना, एक बनाना की कॉस्ट है 1.1 रुपीज एंड 50 पैसे, तो 2 बनाना दैट मींस 3 रुपीज। ओके, फिर बिस्किट का पैकेट, एक पैकेट है 4.50 पैसे। एंड देन जूस, लेमन जूस है 1 ग्लास के है 3 रुपीज। हमने कितने लिए है? 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस, तो टोटल 3 + 3 = 6 रुपीज हो जाएगा। इसका टोटल लगा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, अब हम करते हैं 40 - 13 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, 0, यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस होगी, यहाँ पे 2, 9 एंड 10। 10 - 5 तो 5 रहेगा, 9 - 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 6। 2 - 1 करोगे तो क्या बचेगा? 1, दैट मीन 60 रुपीज एंड 50 पैसे लेफ्ट रह जाएगा। तो हमें आगे की तरह लिख देना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 13 रुपीज एंड 50 पैसे, फिर लेफ्ट मनी, लेफ्ट तो आंसर आएगा 60 रुपीज एंड 50 पैसे। 16 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, ओवरऑल यहाँ पे हमें 30 रुपीज के अकॉर्डिंग ही सबट्रैक्ट करना है। लेफ्ट मनी में क्या आएगा? आप अपनी तरह से ऐसे नहीं कि मेरे पास तो 50 रुपीज है तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा, वैसे नहीं करना है। जो चार्ट दिया है एंड जो अमाउंट हमें दी गई है उसके साथ ही आपको सम कंप्लीट करना है। ओके, दो मिनट साइड हो जाती हूँ, लिख लीजिएगा। आपके पास लेफ्ट रह जाएंगे 8, तो यहाँ पे आएगा 8, 2 - 2
लेफ्ट रह गए एट, तो यहाँ पे लिख देना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो कितने हैं, टोटल कॉस्ट है 22 रुपीज। ओके नेक्स्ट साइड करो। टोटल कॉस्ट है आपके 22 रुपीज एंड मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट में क्या आएगा, मनी लेफ्ट तो आंसर आएगा 8 रुपीज। ओके कितने 8 रुपीज। ओके आप इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम, अभी हम सम करेंगे, इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग। ओके आप लिख लीजिए, कितने
जीरो जीरो, ओके ऐड कर देंगे सब जगह पे जीरो 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 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा जीरो। फाइव प्लस फाइव करेंगे तो क्या आएगा टेन, टेन का जीरो नीचे। जब हंड्रेड पैसे हो जाते हैं तो वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वन। एट प्लस वन तो कितने हो गए नाइन, नाइन में फाइव ऐड करने हैं तो क्या आएगा टेन, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन हो गए, फोर्टीन में और एट ऐड करने हैं तो पहले फिंगर में एट ले लो, ओके फोर्टीन के बाद फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू। ट्वेंटी टू का टू नीचे वन होगा ऊपर कैरी, सॉरी ट्वेंटी टू है तो टू कैरी होगा, ओके टू कैरी हुआ। फिर फोर प्लस टू सिक्स, फोर प्लस टू करेंगे तो सिक्स, सिक्स में फाइव ऐड करना है तो सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन में थ्री ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, कितने हो जाएंगे फोर्टीन, यहाँ पे वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू रुपीज हो जाएंगे। तो ऐसे वाले जो सॉल्व द फॉलोइंग्स होते हैं उसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको लास्ट में स्टेटमेंट उसका लिखना ही है। मैं ऐसे वाले सम्स आपको टू मार्क्स के पूछती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा एडिशन है, तो एडिशन करने के बाद उसका स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ओके। तो हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल, तो दे हैव एकदम अच्छे तरह से स्टेप बाय स्टेप सम कंप्लीट करना है, ओके। तो आज का ये चैप्टर हम यहीं पे स्टॉप करें, नेक्स्ट पीरियड में आगे इसी तरह से सॉल्व द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।